आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से बुलाई गई है। इसमें बहुत सारे जो पावर एम्प्लॉइज के मुद्दे हैं वो आपके माध्यम से हम सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां हम हमारे प्रोटेस्ट को आप कवर करते रहे हैं, हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बार बार कई जगह रखी हैं, लेकिन उन पर किसी भी सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज फिर हमने जो प्रोटेस्ट रखा है, उस प्रोटेस्ट के आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 15 सितंबर को जो हमारा इंजीनियर्स डे है उसके में हम सभी जितने भी पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स हैं ब्लैक बैजेस लगा के सरकार को एक प्रोटेस्ट देंगे ताकि हमारी बातों को आप थोड़ा सुने और उस पर गौर करें। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जैसे कि सचिन जी ने भी बताया कि मेन तो है कि जितने भी पावर एम्प्लॉइज हैं उनको जब भी प्रमोशन दी जाती है एडाक प्रमोशन करके, कभी किसी को एडाक पे AEE बना दिया जाता है, एक्शन बना दिया जाता है, SC या चीफ बना दिया जाता है, जब वो रिटायर होते हैं तो वो उनका बेसिक ग्रेड जो होता है वो एज ए या AEE से ऊपर नहीं जाता। हमारी यही कितना बार बार रिक्वेस्ट की जाती थी कितना ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे एम्प्लॉई जितने भी इंजीनियर्स हैं इनकी रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस की जाए, लेकिन आज तक इन्होंने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी है। ऊपर से सबसे बड़ी जो मेन डिमांड है पावर एम्प्लॉइज की कि पिछले कई सालों से खासकर इंजीनियरिंग फैक्ट्री में कम से कम 6-7 साल से कोई जेईस की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, क्लरिकल साइड पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है, जितना हमारा अलाइनमेंट स्टाफ है वो आस्ता आस्ता करके रिटायर हो रहे हैं लेकिन उनकी जगह किसी को लगाया नहीं जाता। उससे क्या होता है कि एडिशनल बोझ उनके ही साथियों में पड़ता है और उनको ड्यूटी देने में बड़ी दुश्वारी आ रही है। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर एक पॉलिसी होनी चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, जिससे कि आपका हर सेक्टर जो है हर एम्प्लॉई अपनी जानदारी से काम कर सके, लेकिन सरकार इसको तरफ देखती नहीं है। और आपको जैसे पता है डेली वेजेस का पिछले 25-25 साल से डेली में जो लोड के काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है। क्या उनमें से कई तो बेचारे अब बुजुर्ग भी हो चुके हैं लेकिन उनको सरकार रेगुलराइज नहीं करती। देखिए 15 सितंबर को तो वो एक प्रोटेस्ट रहेगा ब्लैक बेजेस के, उसके बाद 2nd अक्टूबर को हम जो मार्च निकालेंगे प्रेस क्लब से लेकर सतवारी चौक तक, जिसमें सारे पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ रोष प्रकट करेंगे। और ऐसे ही ये प्रोटेस्ट जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती तो ये प्रोटेस्ट धरने ये चलते रहेंगे।